हेलो दोस्तों। सो ये जो देख रहे हैं ये आपका 580 लीटर का सैमसंग का FDR, जहाँ पे 3 डोर में आपको मिलती है और ये काफ़ी स्पेसियस दिखता है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ में है और इनसाइड से अगर देखें तो आपको फूड यहाँ पे शोकेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रैक्स मिल रहे हैं, सेल्फ मिल रही हैं जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये ट्विन कूलिंग प्लस के साथ मिलता है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम है फ्रीज़र और फ्रिज का। साथ ही साथ ये फ्रीज़र जो है इसका वो कन्वर्टेबल आपको मिल रही है, और कन्वर्टेबल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग आपको सेल्फ मिल रही है, जिसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो जो डे टू डे लाइफ में आप फूड यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, इसे काफ़ी कन्वीनियंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो रैक्स और सेल्फ दिया जा रहा है, ये आपको स्पेस मैनेज करने में, उसको फूड शोकेस करने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो जो वेजिटेबल बॉक्सेस दिया जा रहा है, जहाँ पे आप फ्रूट्स वेजिटेबल स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी एक कॉम्पैक्ट साइड कॉम्पैक्ट FDR लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट FDR होगा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग कन्वर्टेबल FDR को कन्वर्ट कैसे करेंगे, टेम्परेचर को कैसे सेट करेंगे। मैं इसको मॉडल दिखा दे रहा हूँ, सो ये मॉडल देख पाएंगे RA57A5032B1 580 लीटर में आ रहा है। और इसको जो है हम कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो कन्वर्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये है आपका यहाँ पे, इसका कन्वर्ट करने के लिए डिस्प्ले दिया गया जो इनसाइड में है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो मैं दिखा रहा हूँ। ऊपर में जो देख रहे हैं ये आपका फ्रिज का टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं वो फ्रीज़र का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे दोनों का ही आपको 26-25 दिखा रहा है। इसको चेंज कैसे करना है तो यहाँ पे देख पाएंगे, हमेशा देखेंगे कि आपका ये सेल्सियस में टेम्परेचर, तो ये जो है ओके है, ये आपका लेफ्ट राइट है टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे ये इसको प्रेस करें तो जिसका टेम्परेचर ब्लिंक कर रहा है टेम्परेचर उसी का चेंज होगा, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो अभी ब्लिंक कर रहा है, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। सो एक से लेकर के आप यहाँ पे 6, 7, 60 डिग्री तक आपको मिल रही है। सो फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 1 से 7 के बीच में आप चेंज कर सकते हैं, तो ये जो है फ्रिज का टेम्परेचर। फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है वो मैं दिखाता हूँ। सो फ्रीज़र का टेम्परेचर आप यहाँ पे -23 जो है से लेकर के -15 जा सकते हैं। तो ये जो है फ्रीजर का 20-23 से -15 तक आप जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये आपका टेम्परेचर कैसे चेंज करना है दोनों फ्रीजर और फ्रिज का, ये आपने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कैसे करेंगे। सुपर में जो फ्रीज का टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमें क्या करनी है, फ्रीजर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए फ्रीजर को ब्लिंक करना है और इसको प्रेस कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं आपका 3D हो गया। सो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अभी जो दोनों ही फ्रीज और फ्रीजर जो है वो का टेम्परेचर 3 डिग्री है, मतलब फ्रीजर फ्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 डिग्री फ्रीज का है और फ्रीजर का भी 3 डिग्री है, तो ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वापस इसको नॉर्मल मोड पे अगर लाना चाहते हैं तो हम इसे -17 या -19 पे हम इसको ला करके छोड़ देते हैं। तो ये जो है आपका वापस से ये फ्रीज हो गया और ये फ्रीज़र हो गया। इसमें जो देख रहे हैं कभी कभी हो सकता है कि आपका जो है सेल्सियस आपका फॉरेनहाइट में आ जाए, तो इसको कैसे चेंज करेगा वो दिखा देता हूँ। तो इसको लॉन्ग प्रेस करें, इसको एक और प्रेस करें, इसको प्रेस करें, और यहाँ पे इस बटन को प्रेस करें, देख सकते हैं एफ पे ब्लिंक कर रहा है, अभी एफ में हो गया, फॉरेनहाइट में टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी वापस से फॉरेनहाइट से आप सेल्सियस में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, इसको प्रेस करें और देख सकते हैं ये अभी जो है सेल्सियस जो है ब्लिंक करने लगा। अब इसके बाद ओके कर दें तो देख सकते हैं आपका जो है ये टेम्परेचर सेल्सियस में आना शुरू हो गया। तो ये था आपका कन्वर्ट, फ्रीज़र को फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपका फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कैसे करेंगे, सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कैसे करेंगे, तो ये आपने यहाँ पे देखा। अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप इसको वैकेशन मोड में कैसे डालेंगे। सो वैकेशन मोड में क्या होता है, आपका फ्रीज़र जो है एज इट इज़ रन करता है, और फ्रीज जो होता है
वो आपका ऑफ मतलब ऑलमोस्ट स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैकेशन मोड कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीज़र जो है ये देख सकते हैं, फ्रिज है। सो ये देख सकते हैं आपका छाता वाला आ गया, और ये जो है आपका सो फ्रीज़र जो है आपको ऑलमोस्ट फ्रिज जो है आपका ऑलमोस्ट वो जा चुका है स्टैंड बाय मोड में, लाइक वो ऑफ है एक तरह से। और आपका फ्रीज़र जो है वो आपका -19 में है। तो ये जो है वैकेशन मोड है। सो वैकेशन मोड में आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो आप फ्रिज को ऑफ करके रखना चाहते हैं, फ्रीजर को सेफ यूज़ करना चाहते हैं, तो वैकेशन मोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी हम वापस से अगर हम इसको आप अपने डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर पर लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर तो ये देख सकते हैं आपका डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा तीन चीज़ें, पहला था आपका फ्रीज़र को कन्वर्ट करना, दूसरा देखा आपने सेल्सियस और फॉरेनहाइट पे टेम्परेचर चेंज करना, तीसरा जो देखा आपने यहाँ पे कि हम वैकेशन मोड कैसे यूज़ करेंगे, चौथा आपने देखा कि हम फ्रीज और फ्रीज़र का टेम्परेचर कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप पावर कूल ऑफ पावर फ्रीज कैसे यूज़ करेंगे, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। तो पावर फ्रिज पावर कूल, जो पावर फ्रिज जो होती है फ्रीजर में होता है, पावर कूल जो होती है फ्रिज के अंदर होता है। सो आपको फास्टर मान लीजिए आपको आइस चाहिए, या फिर फास्टर आपको पानी ठंडा करना है, लाइक आपको समर सीजन में आपको ठंडे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर आइस जल्दी ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे कैसे पावर कूल पावर फ्रिज एक्टिवेट करेंगे, तो वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो इसे यहाँ पे पहले हम पावर कूल दिखाते हैं। तो फ्रिज को क्या करना है, टेम्परेचर को चेंज करके क्या करना है। सो फ्रिज को टेम्परेचर चेंज करके हमें ले जाना है, ये देख सकते हैं आपका आ गया, इसे ओके कर देना है। तो ये जो है आपका वैकेश सो ये देख सकते हैं ये जो है आपका पावर कूल जो है एक्टिवेट हो गया। तो आपको ठंडा पानी जो है फास्टर करता है। अब इस डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, इसको वापस से 3 डिग्री पर ले आकर छोड़ दें। तो पावर कूल से नॉर्मल पे हम कैसे लाएंगे वो दिखाएं अभी आपको। अभी हम आपको दिखा रहे हैं पावर फ्रिज कैसे यूज़ करेंगे। सो पावर फ्रिज के लिए आप फ्रीजर में चेंज करना है, तो इसको एक और प्रेस करें और इसको ले जाना है हमें -23 के पार ले जानी है। सो हमें इसको प्रेस करना है -23, और ये देख सकते हैं आपका पावर फ्रिज का जो है ये सिंबल आपको देखने को मिल रही है। सो ये जो है पावर फ्रिज एक्टिवेट हो गया। सो ये फास्टर आइस मेकिंग करेगा, आपको लेस टाइम में आपको ये आइस प्रिपेयर करके दे देगा। वापस इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे वापस से क्या करेंगे, आपका जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर है -19 वो उस पर हम सेट कर देंगे। तो देख सकते हैं आपका नॉर्मल मोड पे आ गया, जो जैसा पहले आपका फ्रिज का टेम्परेचर 3 था और फ्रीजर का टेम्परेचर -19 था, तो ये डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर आ गया। तो ये जो है आपको हमेशा आपको इसी प्रकार आपको दिखेगा फ्रिज, ये जो है 26 और 25। तो ये देख करके घबराए नहीं कि हमारा फ्रिज का टेम्परेचर 26 हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो आपका ये टेम्परेचर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो आप वन टाइम प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये टेम्परेचर दिख जाएगी। तो इस प्रकार आप इस फ्रिज को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रहा है, और ये जो है आपका डोर ओपन है इसका, इस वजह से आपको देख रहे हैं बीप भी आ रही है। तो डोर अगर आप क्लोज कर देंगे तो ये बीप हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस प्रकार इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।